को माँ के हाथ के स्वाद में स्वागत है आपका। आज हम भिंडी बनाएंगे, तो हमने लिए 200 ग्राम भिंडी है और मीडियम साइज की। दो हमने लिए प्याज, ये हर प्याज है बारीक कट के काट रखी छील के, और ये 4-5 हरी मिर्च है, ये हल्दी है, ये धनिया पाउडर और गरम मसाला है, ये जीरा और अजवाइन और हींग है। बस कम से कम सामान से बनाने हैं। हमने 2 चम्मच तारी में तेल छोड़ दिया। ये हमारे तो हम सबसे पहले छोड़ते अजवाइन और जीरा ही। अजवाइन डालनी जरूरी है कि भिंडी गैस बनाती है, इसलिए हमने पहले अजवाइन डाली है और जीरा भी हींग। अब डालते प्याज, प्याज छोड़ दिया हमने, प्याज को भूनते हैं। कम से कम मसाले डालेंगे तो हमारी सब्जी का जो टेस्ट रहता है वो बरकरार रहता है, और नीचे ज़्यादा मसाले डाल दो तो ज़्यादा मसाला से स्वाद दब जाता है भिंडी का। ये हमारी नमक है, नमक हम बाद में डाल रहे हैं, पहले सारे मसाले डालते हैं। भिंडी हमारी थोड़ी ब्राउन हो गई है, अभी फिर हम भिंडी छोड़ देंगे हमने, ताकि भिंडी हमारी भुन जाएंगे और जो चिपचिपा कर होता है वो खुशक हो जाएगा। पहले तो हमने भिंडी है पहले साबुत धोई, तब धोकर हमने कट करी, फिर हमने 2 घंटा पंखे हवा सुखाई है, तो हमारी भिंडी जगह एकदम सूखी हुई है, कोई चिपचिपा नहीं है इसमें, एकदम नॉर्मल होगी भिंडी, कोई चिपक नहीं है इसमें, बहुत अच्छी बनेगा। इस तरह से भिंडी बनाओगे तो बहुत स्वाद और बहुत टेस्टी बनेगी। तब भिंडी छोड़ देते हैं, जो हमने कॉल छोड़ा था किसान, इसकी कोट में भिंडी को उतरानी चाहिए, भिंडी का टेस्ट हमारा अच्छा बनेगा। और थोड़ी भिंडी दो मिनट भूनते हैं और प्याज ये, उसके बाद हम हरी मिर्च छोड़ेंगे अपनी। भिंडी हमारी बहुत अच्छी बहुत स्वाद बनती है, और चपाती से खाओ आओ परांठों से आप खाओ। बहुत अच्छी भिंडी बनाई हमारी, भिंडी की हमारी टेस्ट की कोटिंग अच्छी हो गई है और थोड़ी फ्राई भी हो गई है। अब हम मसाले छोड़ने कर पड़ेंगे हरी मिर्च, फिर बाद में मसाले छोड़ेंगे। ये हमारी हरी मिर्च है, इसको भूनते चलाते हैं अच्छे से। ये मेरी हल्दी है 1 चम्मच, ये धनिया और गर्म मसाला है, और लाल मिर्च में डालूंगी इसमें, फिर मैंने हरी भी डाली है। अगर ज़्यादा तेज खाना चाहते हैं आप तो डाल सकते हो। अब सूखे मसाले डाल दिए, अब अपनी नमक डाल, नमक में बाद में डालते हैं। ये स्वाद अनुसार मेरी नमक है, हम हल्का सा एकदम हल्का सा छींटा मारेंगे पानी का, ताकि हमारी भिंडी अच्छे से बन जाए, गल जाए। भिंडी हमारी आधी तो गली गई है, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे पानी में छींटा मारेंगे खाली, और फिर ढक के गल लिया अपनी। 2 मिनट को ढकते हैं, उसके बाद आपको प्लेट निकल के दिखाएंगे।
दो मिनट हो गए, थोड़ा फुलकोर को देखते हैं भिंडी को अपनी कैसी हुई है। भिंडी हमारी बहुत अच्छी परफेक्ट बन गई है, अब गल भी गई है। गल गई भिंडी हमारी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पसंद खाते हैं देखो, भिंडी हमारी बहुत स्वाद बनी है, बहुत करंची है। बहुत अच्छी वीडियो, मेरी अच्छी लगे तो जरूर लाइक और शेयर करें। नमस्कार दर्शकों।